प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में हताश होकर सुमित ने अपनी जान लेनी चाहिए और मीना की सहायता की सीबीएन। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। God is a good God, dear friends. मैं हूँ प्रशांत, आपका होस्ट। परमेश्वर की स्तुति हो, मैं हूँ नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, एक फिल्म है जिसका नाम है कभी खुशी कभी गम। आपने देखी जरूर होगी, टीवी पे कई बार आई है। नाम काफी ड्रामेटिक है ना, कभी खुशी कभी गम। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जिंदगी की सच्चाई है, आप जरूर इस बात पे कहेंगे हाँ बिल्कुल है। जिंदगी के दो पहलू हैं, कभी खुशी कभी गम। पल में इंडिया जीत जाती है तो हम बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन जब इंडिया हार जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ये तो सिर्फ एक खेल का उदाहरण है, लेकिन हमारी जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। कभी खुशी के पल हैं तो कभी गम के। प्रशांत, मुझे लगता है कि अगर बैलेंस मेंटेन रहे, संतुलन बना रहे, तो जिंदगी जीनी आसान हो जाती है। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास सिर्फ गम ही गम है और कोई खुशियां नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, उनके जीवन में जीने लायक या कुछ भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं रह गया है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव थे, बहुत सी खुशियां, बहुत से गम थे। यहां तक कि उन्होंने एक बार अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या आप जानना चाहते हैं? हमारे प्रोड्यूसर प्रशांत लाए हैं मध्य प्रदेश से आपके लिए सुमित की कहानी। आइए मिलते हैं सुमित से। तो एक समय ऐसा आया कि ऐसा लगा कि अब मैं जीवन में अकेला हूँ और अपने आप को मैं ख़त्म कर लूँ। और जब वो चरम सीमा पहुँची तो मैंने अपने ब्लेड को लिया और अपने हाथ को काटना प्रारंभ कर दिया, और जिसको मैंने इतना ज़्यादा काटा कि जो मेरी नस थी वो दो जगह से अलग हो गई और ब्लड पूरा जगह फैल गया। Sumit Judah tried to end it all. Loneliness, his anger, and constant arguments at home made him feel even more rejected. एक समय ऐसा आया जिस समय में जब क्रोध आता है और जब सारी चीजों के प्रहार होते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तुम हो जो इतना ड्रिंक करके आते हो और अपने उन तमाम बातों को कर मनवाना चाहते हो घर में ना नीचे हमारे कजन्स, इवन जो हमारा जिस जगह पर हम रहते हैं जो मोहल्ला है, और उस समय वो तक दरवाजे बंद रहा करते थे और कोई भी साथ नहीं था। Though he was raised in a Christian home, Sumit Judah started drinking alcohol at a young age. What he started occasionally developed into an addiction. कभी पार्टी हुई या जैसा भी कुछ माहौल बना फ्रेंड के साथ तो हम उसके साथ कभी ड्रिंक कर लिया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक फ्रेंड के साथ हम एक बार में गए जहां पर हमें जो ड्रिंक मिलता था वो बहुत सस्ता हुआ करता था, जो हमारे बजट में आ जाता था, और उसको फिर वो डेली में हमारा कन्वर्ट हो गया। और अब उस फ्रेंड के साथ और इंडिविजुअली अकेले भी जाकर ड्रिंक लेने लगे। His habit cost him his family and his relationship, and now it plummeted him towards ending his life. Sumit survived the suicide attempt. One morning, when Sumit was watching a program on TV, God spoke to him. उस समय अनिल कान जी सीबीएन में होस्ट किया करते थे और उनके दो गाने, एक जगजीत सिंह जी का जो चलता था रूह से संबंधित था और अनिल कान जी का मेरी रूह खुदा की प्यासी है, उस गाने ने एक बड़े सवाल को मेरे अंदर उत्पन्न किया, क्योंकि उनकी कुछ वर्सेस ऐसी थी कि कहाँ है कौन है मेरा खुदा। और उस गाने के में सुनने के बाद मैं अपने जीवन के बारे में सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में अभी तक क्या किया है। Sumit longed for a change and in desperation cried out to Jesus for help. मैंने घर बंद किया और मैंने एक छोटी सी प्रेयर किया, और जो प्रेयर ये थी कि
यीशु मसीह अगर आप हैं, तो आज के बाद से मेरा जीवन आपका है। मैं अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर कोशिश भी करूं तो असफल रहूंगा। इसलिए आज के बाद से ये जीवन आपका है, आप मेरे जीवन में कार्य करें। As Sumit devoted most of his time reading the Bible, Jesus gave him the strength to fight his addictions. जब दूसरा दिन सुबह मैं पहुंचा उस बार में जहां मेरा कंटिन्यू 1.5-2 साल से जाना था, और उस समय क्या क्या बात हुई मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने बोला पटेल मैं आता हूं, और मैं लौटा, और वहां से लौटकर मैं घर आया और पवित्र वचन बाइबल उठाकर भजन संहिता को पूरा पढ़ डाला। उसको पढ़ने की एक इच्छा जागृत हुई और उसको पूरा लास्ट तक उसको मैं पढ़ता रहा। उस सुबह मैं नहीं गया, उस शाम मैं नहीं गया, क्योंकि मन ही नहीं किया। और ये दिन ब दिन, ये एक दिन हुआ, फिर दो दिन हुआ, और ये दिन ब दिन बीतते चले गए। As time went by, Sumit's parents wanted him to get married, but he was often rejected because of his past. Jesus in his time brought a suitable match for him. सब जगह से निराशा ही हाथ लगी। 9 महीने करीबन बीतने के बाद अचानक जो आज मेरी धर्मपत्नी है उनकी मम्मी हमारे पास पहुंची, और जब वो हमारे पास आई तो सिर्फ एक सवाल और एक जवाब था जो उन्होंने अपने मन में रखा हुआ था। मेरी वाइफ ने, उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि आपके जीवन में यीशु मसीह का क्या महत्व है, और मैंने बोला यीशु मसीह के बगैर एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा, गिर जाऊंगा, और वही आंसर था, और हमारा विवाह हुआ। Today Sumit Juda is a worship leader and part of a rehab group and a source of encouragement to many other addicts. He is thankful to Jesus for his love and mercy. मैं खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन को उसने चुना, उस बड़े दलदल से निकाला, मुझे अकेला मत नहीं छोड़ा। और आज जो कुछ भी प्रभु ने मुझे दिया है, एक अच्छा परिवार, मेरा घराना, एक अच्छा जीवन साथी, प्यारी सी बेटी, कच्ची कलीसिया, और एक छोटी सी सेवा जिसके काबिल में नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे उस बड़ी खीज से निकालकर कैसी जगह पर बिठाया है जो सचमुच में मसीह का प्रेम है। सुमित से मिलकर हमने जाना कि जीवन बहुत बार ऐसे कगार पे आके खड़ा हो जाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मोड़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? क्या वो फिर भी उस आशा को थामे रहे, या फिर आशाहीन होकर अपने जीवन को खत्म कर दे? सुमित ने बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं। आज इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग आपने देखा। हो सकता है आप बहुत डिप्रेस हो, बहुत परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगला पल क्या हो सकता है, आप भी आत्महत्या करने की सोच रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आपके लिए आशा है। आशा प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह में आशा करिए, ना कि सुसाइड करने में। अगर चाहते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना, अपना जीवन उनके हाथों में सौंपना, तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें और अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हाथ में दें। आंखों को बंद करें, हाथों को टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और मेरे पीछे बोलें, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु, आज मेरे पास जीने की कोई आशा नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, मैं हार चुका हूं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज मैं आपके सम्मुख आता हूं प्रभु, अपना बोझ आपको देता हूं प्रभु। प्रभु मेरी जिंदगी आप बदल दो, आपकी आज्ञा मानूंगा, ये वादा करता हूं प्रभु। लेकिन प्रभु इस डिप्रेशन को, इस बोझ को उठा लो प्रभु, आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आप मेरे प्रभु हैं प्रभु, आज से मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूं। आमेन। आमेन। दोस्तों,
जितने लोग बोझ से दबे हुए होते हैं और परेशान होते हैं, परमेश्वर उन्हें सहारा देते हैं, उनके बोझ को उठाते हैं, अगर वो अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर ऐसा करना चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है जी। और मेरे सामने एक बहुत ही प्यारी बुक है जिसका नाम है आशा ना छोड़े, आशीष रायचूर की लिखी हुई है। छोटी सी बुक है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, और ये उन परिस्थितियों के लिए है, स्पेशली जब आप ऐसी परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं जहां आपको कोई राह दिखाई नहीं दे रही, आप होपलेसनेस से गुजर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ग्रैब अ कॉपी फॉर योरसेल्फ, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क है। आज ही और अभी हमसे संपर्क कीजिए और अपनी कॉपी मंगवाइए। अगर आपका भी अनुभव सुमित के जैसा है तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप हमारे प्रेयर सेंटर पर कॉल कीजिए, हमें अपना अनुभव बताइए, या हमारी वेबसाइट www.cbnindia.tv पर जाकर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ बांटिए। दोस्तों, कार्यक्रम पे अब समय हो गया है और समय हुआ है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे सीबीएन की लिविंग वाटर्स टीम ने पीड़ित मीना के गांव में कुआं खोदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमारे लिए बहुत अजीज हो मौत हो जाए या वो हमसे दूर हो जाए तो दुख बहुत होता है। मीना का जो बड़ा बेटा था वो मीना को बहुत प्यारा था। एक दिन वो पानी भरने गया, उसके बाद वो वापस कभी लौट के नहीं आया। जरा सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपना बड़ा बेटा गवा दिया हो सिर्फ पानी के लाने की वजह से, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने छोटे बेटे को भेजे ताकि पानी लाया जा सके। लेकिन पानी जैसी बेसिक नीड को कैसे पूरा किया जाए, ऐसी होपलेस सिचुएशन में भी सीबीएन की टीम खड़ी हुई मीना के साथ। आइए देखते हैं कैसे। मीना's husband Namdev works hard as a porter during the summer months and as a shepherd during the winter months in order to take care of his two boys and give them a bright future. The couple were hopeful that they could give them a good future. But one day, a horrific event brought great sorrow to their lives. Shatri. That day, a horrible thing had happened. My son died when he fell in the well. If he was alive today, he would be 12 years old. Meena and Namdev mourned their son for many days. They felt this would not have happened to their boy if there was a safe drinking water source. They were worried for the safety of their second son too. Meena expressed this concern to the village head. As a mother, I can understand Meena's pain. Death of a son. This is because of lack of safe drinking water source. I requested Pastor Michael to help in this matter. Operation Blessing received an appeal from Pastor Michael for a borewell in Meena's village. Hearing Meena's tragic story, Living Waters team quickly responded, and soon a borewell was drilled. The dedication of the borewell was a happy moment for all the villagers, including Meena. Is relieved from the fear of losing her second son too. Meena and Namdev continue to work hard to build their son's future. My heartfelt thanks to Operation Blessing for laying the borewell in our village. You have not just given us abundant water, but a new life. Thank you, Operation Blessing, Living Waters. दोस्तों, हमने भी देखा कैसे सीबीएन की टीम ने मीना की सहायता की। सीबीएन की टीम ऐसे कई लोगों की सहायता देश भर में करता है, जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाना, दवाइयां बांटना, बोरवेल लगवाना और अनाथों को सहारा देना। और यकीन मानिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम देना किसी भी एक टीम या व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, और इसमें हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहभागी जो कंधे से कंधा मिलाकर इन सब कामों को करने में हमारी मदद और सहायता करते हैं।
उनका योगदान जो हमें हर महीने पहुंचता है उसकी वजह से ही तो इन सब बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया जाता है। हम अपने सब पार्टनर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जो इन कामों में हमारे साथ खड़े हैं, और साथ ही साथ हम आपको भी एनकरेज करना चाहते हैं, यदि आप कुछ राशि हर महीने अपने योगदान के रूप में हमें भेजें तो आप भी ऐसे बड़े बड़े कार्य करने में हमारे सहभागी हो सकते हैं। आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फोन कीजिए और जानिए हमारे प्रेयर सेंटर में, और आपको बताया जाएगा कि आप अपने सहभागिता हमारे साथ कैसे बना सकते हैं। अगर आप अपना चेक डीडी या मनी ऑर्डर भेजना चाहें तो बेझिझक आप CBN फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अब आप ऑनलाइन डोनेशंस भी कर सकते हैं। आपको करना यह है कि www.cbnindia.tv पर जाइए, मेन पेज पर डोनेट बटन को दबाइए, आसान से स्टेप्स फॉलो कीजिए और अपनी डोनेशन भेज दीजिए। आप नहीं जानते कि आपकी उस डोनेशन से कितने बड़े बड़े और कारगर काम हो सकते हैं। दोस्तों, अपने पे तो हम हमेशा खर्च करते हैं, क्यों ना आज किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए, तो हमसे जल्द ही संपर्क कीजिए। बहरहाल अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम खास प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने जिंदगी जीने की आशा ही छोड़ दी है और आत्मघाती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं। प्रार्थना के ऊपर हम आपके लिए लाए हैं एक संदेश, तो आइए इस संदेश को देखते हैं। जितना यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वो निकट रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का ये दिन विशेष प्रार्थना का दिन है। आज हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो किसी भी तरह की डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, तनाव में है और जो ये सोच रहे हैं कि अपना जीवन खत्म कर दिया जाए। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं जिनके लिए लगातार प्रार्थनाएं हो रही हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं उनके लिए भी लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। हो सकता है आज शायद आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप भी तनाव से होकर गुजर रहे हैं, तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय खुदावन हम बहुत ही हलीमी के साथ आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि डिप्रेशन आपकी ओर से नहीं है, ना ही तनाव आपकी ओर से है, ना ही प्रभु इट इज इन योर विल दैट फादर पीपल शुड बी इन डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। सो प्रभु, इस समय जितने लोग आप पे ईमान लाते हैं, जितने आप पे विश्वास लाते हैं और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावन, इस समय प्रभु जी आपके दास और दासी होने के नाते हम उनके जीवनों में प्रभु आपकी शांति बोलते हैं खुदावन। वी रिलीज योर शालोम एंड पीस फ्रॉम दिस प्लेस फादर इन देयर लाइव्स गॉड। प्रभु जी, हर वो बात जो उनके जीवन में नकारात्मक शब्द, हर वो नकारात्मक सोच, हर वो नेगेटिव प्रोसेस प्रभु जी जो उनके जीवन में उतारा गया है, उसे हम अभी रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के नाम से और उनके जीवन से अलग होने का हुक्म देते हैं। प्रभु, इस समय हर एक वो जन जो सुसाइड करने की कगार पे है या वो सोच रहा है कि उसके जीवन का अंत हो चुका है, प्रभु आप उसे ऐसी शांति दीजिए प्रभु जी, आप इसी समय उसे छूए खुदावन, और जब आप छूए प्रभु जी तो वो जान पाए कि वो अकेले नहीं है वरन आप उनके साथ हैं, और प्रभु आप उनके लिए उत्तम मार्गों को तैयार करेंगे जिस पर चल के उन्हें आगे बढ़ना है। प्रभु, आप उन्हें वो शांति दीजिए, आप उन्हें वो प्रभु अपनी ओर से एक प्रभु जो फीलिंग जिसके लिए वो खोखलेपन से गुजर रहे हैं और जो फीलिंग महसूस करना चाहते हैं प्रभु, वो आपके आप उनके जीवनों में इस समय उतारिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी सच्ची शांति, आपकी सामर्थ उनके जीवन में बोलते हैं और सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। दोस्तों, जैसे कि आज आपने सुमित की कहानी में भी देखा कि मरना या आत्महत्या करना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है,
और कैसे परमेश्वर ने सुमित को भी इन सब चीजों से निकाला। परमेश्वर आपको भी निकालेंगे। अगर आज आपने विश्वास की इस प्रार्थना को करा है तो हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर में और बढ़े, ताकि ये सब थॉट्स आपसे दूर चली जाएं और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अपने फोन्स को उठाइए और इसी समय हमें कॉल कीजिए और जानिए उस भले परमेश्वर के बारे में। दोस्तों, अगले शुक्रवार हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो दिल की बीमारी से ग्रसित हैं। तो आप चिंता ना करें, आप अपनी रिक्वेस्ट हमें SMS, ईमेल्स और कॉल करके हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमने देखा कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करना चाहते हैं। आप फोन करिए, हम आपसे बात करेंगे, आपके लिए और प्रार्थना करेंगे। आप हमारे प्रार्थना भवन में फोन करके हमारे बारे में और जान सकते हैं या हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, लेकिन हम दोबारा आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम पर। देखते रहिए एक नई जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। इतना